कि आपकी ये यात्रा आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास में विवाह का प्रपोजल लेके जा रही हैं कि मैं विवाह करने जा रही हूँ या विवाह का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। अब मीडिया मुझे कह रही है अगर ऐसा नहीं है तो इनकार कर दो। देखिए मैं फिलहाल ना इकरार करना चाहती हूँ और ना ही इनकार करना चाहती हूँ। तो आप कृष्ण की राधा बनने जा रही हैं या मीरा? आप जो चाहे बना ले। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है कि आपका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले से वार्तालाप हो चुका है। देखिए पूज्य महाराज जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है और ना मैं कभी बागेश्वर धाम गई हूँ। आप कभी मिली हैं उनसे? नहीं, मैं तो गई ही नहीं वहाँ पर और ना ही कभी मिलने की मैंने कोशिश करी। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। आप देख रहे हैं महोबा न्यूज, मैं हूँ राजेंद्र शर्मा। हमारे बीच में आज एक ऐसी प्रतिभा मौजूद है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और हम उनसे बात भी करेंगे। भजन गायिका कथावाचिका शिव रंजनी तिवारी, जो आजकल इंटरनेट पर और फेसबुक पर बहुत चर्चा में हैं, हमारे बीच में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। देवी जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बागेश्वर धाम की आप, ये हमने जाना है कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर 1 मई को वहाँ से आपने प्रस्थान किया और लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा करके आप बागेश्वर धाम जा रही हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो सबसे पहला है सनातन धर्म का प्रचार और दूसरा जो हमारा समाज आज संस्कार विहीन होते जा रहा है उनको संस्कार के पथ पे लाना, यही दो उद्देश्य के साथ में वहां से चली थी। आप मध्य प्रदेश में पैदा हुई और उत्तराखंड में जाकर के आपने शिक्षा दीक्षा ली। आप MBBS की छात्रा हैं, अभी MBBS आप कर रही हैं या ये शिक्षा पूरी हो गई आपकी? परसुइंग हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो शिक्षा, आप डॉक्टर बनने के उद्देश्य से आपने MBBS आरंभ किया और धर्म के क्षेत्र में आपका जो एकदम यकायक मोड़ आया और आप भजन गायिका और कथावाचिका बन गई हैं और आपने कई संतों के साथ में कथा भी की है, ये कैसे परिवर्तन हुआ आपको? धर्म से जुड़ना, अचानक से डॉक्टरी छोड़ के या डॉक्टरी के साथ में धर्म में आना, ये बिल्कुल थोड़ा अलग लगता है क्योंकि मैं बचपन से ही धर्म के कार्य में एक्टिव हूँ। इसलिए क्योंकि जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैंने भजन गाना, भागवत कथा करना और सभी धर्म के कार्य करना शुरू कर दिया था। और चूंकि हमारा जो परिवार है वो परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी के परिवार से ताल्लुकात रखता है। जो मेरे पिताजी हैं वो पूज्य जगतगुरु जी के रिश्ते में भतीजे लगते हैं, तो उनकी काफ़ी कृपा दृष्टि रही हमारे ऊपर, बचपन से ही मुझे उनका सानिध्य प्राप्त रहा। तो इस कारण मेरा धर्म में होना या धर्म के कार्य से जुड़े रहना, भगवान में बेसिकली जुड़े रहना, भगवान में विश्वास रखना, ये बचपन से ही है। तो आपने इसकी कोई शिक्षा ली या बचपन से ही, जब आप बता रहे हैं 4 वर्ष की उम्र से ही आपने, आपका ध्यान इधर था, तो कोई आपने शिक्षा ली या ये प्रभु की प्रेरणा ऐसी रही? प्रेरणा भी कह सकते हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वो हरिओम शरण जी के शिष्य रहे और मैं खुद हमारे भजन सम्राट अनूप जरोटा जी की शिष्या हूँ। तो मैं बचपन में अपने पिताजी को भजन गाते सुनती थी, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, त्रैलोकपति और तमाम सभी भजन, तो उनको सुन सुन के कह लीजिए मेरे अंदर भक्ति का भाव आया और मैंने फिर भजनों की ही लाइन चुनी। कितने किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा कर लेती हैं आप? 25-30 हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है उत्तराखंड के हिसाब से, तो कभी कभी 20 भी हो जाता है, कभी थोड़ा कम लगा तो 30 भी हो जाता है। बागेश्वर धाम सरकार कब पहुँचने वाली हैं आप? हमने तो सोचा है हम 16 तक पहुंच जाएंगे, फिर आगे सूर्यदेव की जैसी कृपा रहेगी उसमें भी थोड़ा सा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। आपने अपनी एक बाइट में कहा है कि महाराज जी 15 तारीख से उस पर जा रहे हैं एकांतवास पर, तो कैसे दर्शन होंगे आपको?
आपको क्या विश्वास है कि प्रभु जी आपके इंतजार कर रहे होंगे? मुझे मेरे बालाजी सरकार पर, गंगा मैया पे और अपने इष्ट देवों पर भरोसा है कि मुझे तो महाराज जी के दर्शन मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। अब इसमें चैलेंज तो कोई कर नहीं सकता और आगे बालाजी की जो भी कृपा होगी। आपकी बालाजी सरकार पहुंचने की खबर बालाजी सरकार में गड़ा धाम में बहुत तेजी से फैली हुई है और वहाँ हजारों, कहा जाए लाखों की संख्या में भक्त आपके वहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। वो ऐसा क्या आकर्षण है जो भक्तगण आपका इंतजार कर रहे हैं? अब क्या आकर्षण है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी। एक गालिब शायर की मुझे एक शायरी याद आ गई, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, खरीद कर आपने हमें अनमोल बना दिया। आज के 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था और बालाजी सरकार की कह लीजिए या हमारे प्राणनाथ प्रभु जी की कृपा कह लीजिए, 10 दिनों के अंदर ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमें पर्सनली फ़ोन भी आने लगे और तमाम तरह की बातें हो गई और आप सभी लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे घर घर तक पहुंचा दिया। तो ये बालाजी की कृपा है मैं तो बोलूँगी। जब आप गंगोत्री से चली थी तब भी मीडिया ने आपको कवरेज दिया था? हाँ, गंगोत्री से हाँ जब हम लोग निकल रहे थे तब हमारे पीछे मीडिया चैनल्स थे, क्योंकि जैसे कि उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़की का जो कि एक MBBS की छात्रा है अचानक से इस तरह धर्म में झुकाव की यात्रा, तो इस तरह से वो मुझे कवर कर रहे थे। और फिर मेन जो मीडिया का सिलसिला बहुत ज़्यादा भारी वाला शुरू हो गया, ये बरेली मुरादाबाद से शुरू हो गया था। बरेली मुरादाबाद से क्या खास हुआ? मतलब अचानक सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा मैं वायरल हो गई और हर किसी को पता चल गया कि ऐसी कलश यात्रा हो रही है और जो भी, तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा कवरेज बरेली से स्टार्ट हो गया था मिलना। कलश यात्रा में कितने लोग आपके साथ चल रहे हैं? हमारे साथ में 10-15 लोग करीब हैं। अब क्योंकि हमें बाधाएं, अब इसे मैं बाधाएं नहीं कहूँगी क्योंकि जब भी हम कोई धर्म का कार्य करते हैं तो चुनौतियाँ आती रहती हैं, बीच बीच में बाधाएँ तो आती रहती हैं, जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाना। 22 से 29 वाले में तो हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब 50 डिग्री भी क्रॉस हो गया है। और इसी गर्मी में हमारे साथ के जितने लोग थे लगभग सभी को, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कुछ कुछ ऐसा होते रहा, लेकिन अब ठीक है, लड़ते लड़ते आ गए हैं अपनी मंजिल तक, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के बेजुखम देखते देखते एक दिन मंजिल पर भी पहुंच जाएंगी, प्रभु के नक्शे कदम देखते देखते। क्या बात है, आपने अपने एक बाइट में प्रभु को, शास्त्री जी को कहीं प्राणनाथ शब्द से भी संबोधित किया है। हाँ, इसका तात्पर्य जानना चाहूंगे। देखिए, मैं प्राणनाथ से इसलिए संबोधित करती हूँ क्योंकि मैं उन्हें भगवान मानती हूँ और जो मन की हर बात पहचान ले, क्योंकि उनके सामने जाने पर किसी को अल्फाजों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मन की बात खुद ही लिख देते हैं। तो जो सब कुछ ही जानता हो, जिससे कुछ भी छुपा ना हो, तो वो प्राणों का नाथ नहीं होगा तो कौन होगा, इसलिए मैं प्राणनाथ कहती हूँ। एक खबर के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब चैनल पर बहुत तेज़ी के साथ में ये वायरल हो रहा है कि आपकी ये यात्रा, आप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास में विवाह का प्रपोजल लेके जा रही हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैंने किसी भी जगह ऐसा नहीं बोला है कि मैं विवाह करने जा रही हूँ या विवाह का ही प्रस्ताव लेके जा रही हूँ। अब मीडिया मुझे कह रही है अगर ऐसा नहीं है तो इनकार कर दो। देखिए, मैं फिलहाल ना इकरार करना चाहती हूँ और ना ही इनकार करना चाहती हूँ। हर किसी को 16 जून का वेट करवाया है तो बस पहुँच गए यहीं पर, आज 13 हो गई है, 16 तक वेट कीजिए, वहीं अंतर्यामी प्रभु लिख के बताएंगे। हाँ, आपने ये भी कहा है कि 16 जून को अपनी इस यात्रा का उद्देश्य आप प्रकट करेंगी। मैं प्रकट करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि जब हमने 1 मई को अपनी गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तभी मेरा पर्चा पूज्य महाराज से लिख के रख चुके हैं, तो मैं बेसिकली 16 जून को पर्चा दिखाने वाली हूँ। तो आप कृष्ण की राधा बनने जा रही हैं या मीरा? आप जो चाहें बना लें।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है। गढ़ा गांव में चर्चा है इस बात की कि आपका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से पहले से वार्तालाप हो चुका है और ये यात्रा आपकी एक प्रायोजित यात्रा है, लोग इस बात को भी कह रहे हैं, ये हम नहीं, ये चर्चाएं हैं गढ़ा में इस तरह से, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, पूज्य महाराज जी से मेरी कभी बात नहीं हुई है और ना मैं कभी बागेश्वर धाम गई हूँ। हाँ, मेरे परिवार वाले जरूर गए हैं, 5-6 बार परस्पर दर्शन भी हुए हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि यात्रा प्रायोजित है या सब कुछ प्री प्लान्ड है, तो ये बिल्कुल मिथ्या है, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। मैं उनसे बात भी नहीं कभी करी मैंने। आप कभी मिली हैं उनसे? नहीं, मैं तो गई ही नहीं वहाँ पर और ना ही कभी मिलने की मैंने कोशिश करी। उनसे इतनी गहरी आस्था उनके प्रति और मन लगा लेने कैसे आपके मन में आया कि वो ही आपके प्रभु हैं? हाँ, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं तो उनको फॉलो कर रही थी करीब 20-21 से, काफ़ी समय से उनकी कथा प्रवचन सुनती थी, उनके दिव्य दरबार देखती थी, और मैं जो इतना लगाव हुआ वो हुआ जब उन्होंने 121 कन्याओं का विवाह किया। तो मैंने उसमें देखा तो उन्होंने करीब 3 लाख का सामान दिया था हर किसी को, उसमें बेड, फ्रिज सब कुछ था, कूलर, एसी, सोफा सब कुछ था। तो लेकिन उन्होंने एक बात कही थी भावुक होके कि मैं सब कुछ दे पाया लेकिन अपनी गरीब बहनों को मैं मोटरसाइकिल नहीं दे पाया। तो ये बात बिल्कुल मेरे हृदय को छू गई और मैंने उसी समय प्रण ही कर लिया कि अब जो 24 में उनका विवाह सम्मेलन होगा, करीब 150 तक का तो होगा ही, 151 कन्याओं का, तो मैंने ऐसा सोचा है। यहाँ हालांकि मेरी सामर्थ्य मुझे नहीं लगता अभी इतनी है, लेकिन 151 या जितने को भी मैं दे सकूं, मैं अपनी गरीब बहनों को 2-व्हीलर देने की कोशिश करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप कल यहां से आरंभ करेंगी अपनी यात्रा, कब, परसों आप वहां पहुंचने की है? अब यात्रा तो हमारी डेली ही चल रही है, बस जहां पर हमें लगता है कि अब हम थक चुके हैं, थोड़ा सा थकान हो चुकी है, वहां हम पड़ाव कर लेते हैं, बस मंजिल के करीब ही हैं, 16 तारीख भी आगे ही है। तो जो पर्चा है, प्रभु जी ने जो पर्चा लिख के रखा है, आपको अंदेशा है कि उसमें क्या लिखा है? जो भी मेरे मन में होगा वो लिखा होगा। अच्छा, आप MBBS कर रही हैं तो आपने भगवा धारण कर लिया है, तो क्या ये आप डॉक्टर बन के भी सेवा करेंगी या आप केवल इसी क्षेत्र में आप उतरने जा रहे हैं? देखिए, सेवा तो मैं बचपन से कर रही हूँ। एक बात और बताना चाहूँगी, पूज्य शंकराचार्य जी की ही आदेश ही कह सकते हैं उसे, उन्होंने आदेश दिया था, हम सभी लोग शनिवार और रविवार को एक निशुल्क सेवा देते हैं वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम और जो गौशालाएं होती हैं। हमारा एक तेल चलता है, हम लोग घर में बनाते हैं मार्कंडेय दर्दनाशक तेल, जिनके घुटने में, कमर में, गठियावाद, साइटिका, जोड़ों का दर्द होता है, जॉइंट पेन, उनको हम लोग शनिवार और रविवार फ्री में देते हैं वृद्धाश्रम अनाथाश्रम से। तो जो ये सेवा का भाव है मेरे अंदर तो बचपन से है और ये तो बिल्कुल तो लाइफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब बागेश्वर धाम जाके इसमें स्टॉप लगने वाला है या, और रही बात भगवा रंग की, तो चूंकि मैंने सोचा ये धर्म यात्रा है हमारी कलश यात्रा, तो इसमें धर्म का ही प्रचार हो रहा है, तो क्यों ना हम भगवाई रंग धारण कर लें इस यात्रा में। एक अंतिम प्रश्न, बागेश्वर धाम आप कितने दिनों तक वहाँ रहेंगी, कब तक आपका वहाँ पे प्रवास रहेगा? उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, फिलहाल तो उन्होंने एकांतवास में जाने की घोषणा कर दी है, लेकिन मेरी आस्था है दर्शन तो मुझे मिल के रहेंगे। बालाजी सरकार से मैंने प्रार्थना करी है, प्रभु दर्शन तो दिलाई देना, और उसके आगे फिर क्या रूपरेखा होती है, क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं अभी उसके बारे में पता है। वहाँ पर भक्तों का सैलाब है, आप दर्शन करेंगी, उसके बाद में जो भक्त हैं वहाँ उन्हें भी कुछ संदेश देना चाहेंगी? वो वहीं से दूंगी, फिलहाल दर्शन तो हो जाए। हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सनातन से जुड़े रहिए, अपने घर घर में, जो मैंने अपनी इस यात्रा में कुछ परिवारों में कमी देखी है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता, कोई भी आरती नहीं आती, और
मतलब अपने आप को कुछ लोग नास्तिक कहने में बहुत गर्वान्वित फील करते हैं कि भगवान कहाँ है, कैसे हैं, किसने देखा है, तो उन सभी को कहूँगी कि आप सभी लोग सनातनी हैं, गर्व कीजिए अपने हिंदू होने पर। और अपने बच्चों को एक नियम लगाइए कि जब सुबह जाएं तो 2-5 मिनट भगवान का नाम लेके जाए, हनुमान चालीसा करके जाए, जब शाम के समय संध्या वंदन हो तब भगवान की आरती करें, एक गायत्री माला अवश्य करें। देखिए, भगवान में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आजकल इस समाज में हो रहा है, मुझे लगता है बेसिकली उसमें यही सब संस्कारों की कमी हो रही है, तो सभी को अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। हमारे दर्शकों के लिए एक दो लाइनें जो आपके भजन हैं, जो आपको सबसे पसंद है, अवश्य सुनाना चाहूंगी। पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गे मगन, वो तो गली गली हरी गुनगाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है वहाँ पर, जो आपने मन में सोच रखा है, तब क्या विचार है, आगे क्या करेंगी, आपको जो आपके मन में जो बात है वो आपको मिल जाती है, तब क्या होगा? अभी देखते हैं वहीं चलकर क्या होता है, अभी तो कुछ भी नहीं पता। तो ये हैं शिवरंजन तिवारी, जो अपनी यात्रा पर चल दी हैं और अभी कबरई महोबा होते हुए ये प्रस्थान करेंगी। हम इनकी यात्रा की यात्रा पूर्ण होने की शुभकामना करते हैं। आपको भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दे। और दर्शकों, इस तरह के खबरें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।